दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारा चैनल जो है 25,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। 25,000 सब्सक्राइबर मतलब हमारी फैमिली जो है आज 25,000 लोगों की हो चुकी है। आज कितनी खुशी हो रही है मैं आपको शब्दों में मतलब कि बयान नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे मतलब मैंने अपना खर्चा थोड़ा सा बढ़ा लिया है, हमने अब ले लिए हैं बहुत महंगे महंगे से लेंस, और अब इन लेंसों से हम बहुत अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोस बना बना के दिया करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, जो ये लेंस है वो तो शूट तो अभी हमारा इन्हीं मोबाइल से और ऐसी लाइटों से ही होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे ज़रूर जो है हम अच्छा को सेटअप करेंगे और डेफिनेटली कुछ लाइट वाइट और अच्छा सेटअप करके मैं शूट की क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। फिलहाल तो इसी सेटअप से जो है काम चला लेते हैं। आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज कोई टेक अपडेट नहीं है, कोई टेक की बारे में खास बात नहीं करने वाले हैं। आज आप और हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपकी कमेंट्स लेने वाला हूँ और उन्हीं के थ्रू हम बात करेंगे, और एक एक करके आज मैं जो है आपके नाम को अभी शाउट आउट देने वाला हूँ कमेंट के साथ, जो जो मैंने कमेंट सिलेक्ट करे हैं। और ऐसा हम रेगुलर करने वाले हैं, हर हफ्ते और दो हफ्ते के बीच में मैं एक बारी जो है वो आस्क टेकवानी करके एक मैं चलाने वाला हूँ एपिसोड। सबसे पहले बिना वक्त गवाए शुरुआत कर देते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला कमेंट जो है वो मिस्टर ज्ञान का है, स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल से मिस्टर ज्ञान नाम नहीं होगा तो वो पहचान लेंगे। फेस कैम करना जरूरी है यूट्यूब के अंदर? नहीं दोस्तों, फेस कैम करना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसके अंदर फेस कैम नहीं होता है लेकिन उनके मिलियन सब्सक्राइबर जा चुके हैं। महात्मा टेक्निकल जी की बात कर लें या सीखे की बात करें, बहुत सारे ऐसे चैनल को मैं जानता हूं जिसके अंदर फेस कैम नहीं है। अभी नियॉन मैन की जो न्यूज आती है उनके अंदर भी कोई फेस कैम नहीं होता है, फिर भी जो है वो चैनल काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि फेस कैम होने से थोड़ा सा इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, लेकिन ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फेस कैम करना है या नहीं करना है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, फेस कैम करना चाहे तो फेस कैम कर सकते हैं, अदरवाइज बिना फेस कैम के भी आप बहुत अच्छा चैनल जो है वो चला सकते हैं, लेकिन ब्रांड्स को थोड़ा सा फेस कैम से फर्क पड़ता है। अरुण कुमार 1747 लिखते हैं, सर थंबनेल कैसे बनाया जाता है, प्लीज वीडियो बनाकर बताइए। अरुण कुमार भाई, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं लगभग आपके सारे कमेंट पढ़ता भी हूं। अगर आपने पूछा थंबनेल कैसे बनाया जाए तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं। कोरल ड्रॉ के अंदर मैं पहले थंबनेल जो है बनाया करता था, उसके बाद मैंने फोटोशॉप के अंदर थंबनेल बनाने शुरू करे। आजकल मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ वो एक प्लेटफॉर्म है canva.com, और यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। और ना सिर्फ थंबनेल और भी चैनल आर्ट वगैरह का काम भी इसके अंदर, क्रिएटिव डिजाइनिंग का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये है canva.com, इस पर आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके अंदर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि मेरे जैसे थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। अगले अगर कमेंट की बात करते हैं तो वो है सोनू देवासी का, और इन्होंने लिखा है कि ब्रो लेनोवो A5 या 6A कौन सा लूँ। मेरे ख्याल से आपको लेनोवो A5 लेना चाहिए। अगर आप 6A की बात करें तो लेनोवो 6000 है, A6000, या फिर आप सैमसंग A6 की बात करें, सैमसंग A6 तो काफ़ी महंगा है और लेनोवो 6000 जो है काफ़ी पुराना मॉडल हो चुका है। तो ऐसे में जो आपकी रेंज जो मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से आपको लेनोवो A5 के अंदर जाना चाहिए, और अगर आपका बजट जो है वो अलाउ करता है तो सैमसंग A6 के लिए भी आप जा सकते हैं। अगले कमेंट की बात करता हूँ तो ज्योतिका सरकार का एक कमेंट है, गूगल एडसेंस की पिन जो है एड्रेस में कैसे आएगी। पहली बात तो बहुत मुबारक हो सरकार जी, इसका मतलब आपका जो है एडसेंस जो है वो एक्टिवेट हो गया है, आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर इसका मतलब आपके हो चुके हैं। तो ऐसे में जब भी आपके पास एडसेंस की पिन जो आपने एड्रेस दिया है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि चैनल कैसे बनाया जाए, ऊपर लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब का चैनल अच्छे से कैसे क्रिएट किया जाता है उसके अंदर आप देख लीजिएगा। जब आपके घर में पिन आ जाएगी तो अपना एडसेंस जो है अकाउंट उसको ओपन कीजिएगा, सबसे ऊपर जो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा फिक्स नाउ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, फिक्स नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा कि पिन अपना डाल दीजिए, जैसे आप उस पिन को डालेंगे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगले अगर कमेंट की बात करें तो आ रहा है ऑनेस्ट एक्सप्रेस की तरफ से, प्लीज हेल्प मी इन चूजिंग मोबाइल फ्रॉम जेनफोन मैक्स प्रो 2, रियलमी 3 और रेडमी नोट 7। दोस्त तीनों ही मोबाइल जो है काफी कमाल धमाल है, लेकिन मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं इनको 1, 2, 3 ऐसे कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले तो जो नया फोन आया है और प्राइस के हिसाब से 1999 के अंदर रियलमी 3 आपको मिल रहा है, उसके अंदर आपको 1.79 पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इतना बढ़िया अपर्चर देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाएगी। P70 का प्रोसेसर है जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, और 3GB रैम और 32GB का वेरिएंट आपको 8999 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट 1000 रुपये ऊपर जाता है, यहाँ पर बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, अगर 1000 बजट आपका ऊपर जाता है तो Redmi Note 7 बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाएगी, क्योंकि फुल HD आपको HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छी इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है।
तीसरे नंबर पे आपको Max Pro M2 दूंगा, क्योंकि रीज़न ये है कि थोड़ा सा फ़ोन अब पुराना हो चुका है और जो कैमरा क्वालिटी है वो Redmi की और Realme की दोनों काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप जा सकते हैं तो डेफिनेटली 1, 2, 3, ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि किसी को Honda City पसंद है, क्योंकि किसी को Hyundai Verna पसंद है, तो ये टोटली आपके डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने मेरा ओपिनियन पूछा है तो 1, 2, 3 मेरा यही होने वाला है। बात करते हैं अगले कॉमेंट की। तो अगला कमेंट जो आ रहा है, द लेट गेमर 11, सर गेमिंग हेडफोन का गिव अवे रिजल्ट कब आएगा, प्लीज टेल मी। सो द लेट गेमर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा भाई कैसे हैं आप, क्योंकि आपसे मेरी फोन पे ही बात हुई थी और काफी अच्छा लगा मुझे आपसे फोन पे बात करके। और आपके गेमिंग चैनल को मैंने गो थ्रू किया है, तो मैंने उसके अंदर देखा है कि क्या क्या अभी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैंने आपको थोड़ा सजेशन भी दिया था ईमेल के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से आप अपने गेमिंग चैनल पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके उसको ग्रो भी कराएंगे। बात करते हैं गिव अवे की। तो मैंने जैसा कि वीडियो को बिल्कुल शुरुआत में बताया, तो मुझे उम्मीद थी कि 31 मार्च तक मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्प की वजह से हमने 25,000 का जो माइलस्टोन है वो बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। तो 31 मार्च को हमारा गिव अवे होगा। और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपको इस गिव अवे के लिए। साथ में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं और करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आदमी क्या करता है, जब आदमी कमाता है ना, तो सबसे पहले अपने लिए खर्चा करता है, उसके बाद अपनी फैमिली के लिए करता है। तो यूट्यूब में जो आप सब्सक्राइबर है वो मेरी फैमिली की तरह है। तो हमने भी डिसाइड किया है कि हर महीने हम अपने चैनल पे गिव अवे करेंगे, जो कि महीने की लास्ट डेट को होगा। तो ऐसे में इसमें हमारे फैमिली मेंबर जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी आप वीडियो देखेंगे बीच में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और महीने के एंड में अपने सब्सक्राइबर के साथ हम शेयर करेंगे एक गिव अवे। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, मेरे ख्याल दोनों चीज़ों का जवाब आपको मिल चुका है, और साथ में आपके चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बात करते हैं अगले कमेंट के बारे में, तो वो है मनोज कुमार का, थैंक यू ब्रदर फॉर द सुपर वीडियो। थैंक यू ब्रदर दिल से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल होता है, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि आपको वीडियो पसंद आए। देखो दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है, जब मैंने शुरुआत करी थी ना चैनल की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं पैसे कमाऊँ बहुत सारे वीडियो बना के, लेकिन धीरे धीरे जैसे चैनल ग्रोथ होने लगी तो मुझे लगने लगा कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी इंसान अगर मुझे भरोसा कर रहा है तो मैं उसको जेन्युइन और सही रिप्लाई करूं और सही तरीके से जो गाइडेंस मेरे से हो सकती है वो मैं दूं। तो करंटली मेरा अगर आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे तो आज की तारीख में पैसा कमाना मेरे लिए सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कहूँगी पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट उससे ऊपर प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं आपको जेन्युइन गाइडेंस दे सकूँ, आपको जेन्युइन में बता सकूँ हर जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी अपडेट हो सकती है। तो ऐसे में थ्रू आउट आप शुरुआत से लेकर आज तक मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूँ हर डिवाइस के बारे में। और शायद इसीलिए आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। अगले अगर कमेंट की बात करते हैं तो वो है बिमल पोखराल का, और इन्होंने लिखा है, सर धामी एक्से समझ में नहीं आया मुझे, थैंक यू भाई कमेंट के लिए। अगले अगर कमेंट की बात करते हैं वो है राज एस राज का, और इनका कमेंट है लू क्या मतलब कमेंट थोड़े से, इनको दो लाइक भी मिले हुए हैं। चलो ठीक है दोस्त, थैंक यू फॉर योर कमेंट। अगले कमेंट की अगर बात करें तो जय श्री कृष्णा की तरफ से, जय श्री कृष्णा जी, भाई एडसेंस नहीं हो रहा है। भाई आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर पूरा हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पूरे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। और अगर आपने सही से अपना एड्रेस भेज रखा है तो एडसेंस की आपकी पिंग जो है आपके एड्रेस पे ज़रूर पहुंचेगी। अगले अगर कमेंट की बात करें तो वारा है शाही नवाज की तरफ से, ब्रोक चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप बात कर रहे हैं जो रियलमी 3 और मैंने रेडमी नोट 7 का जो कंपैरिजन किया था। हाँ दोस्त, ब्रोक लेसनर मेरा फेवरेट एक रेसलर है, साथ में जॉन सीना भी मेरा फेवरेट है, रोमन रेंस भी मेरा फेवरेट है, काफ़ी सारे मेरे फेवरेट है, WWE मेरा बचपन से फेवरेट रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसलिए कॉम्पिटिशन करते टाइम मैंने 2 रेसलर्स का नाम ले लिया था, बट मैं अगली बारी जॉन सीना का नाम भी शायद ज़रूर लेने वाला हूँ। अगले अगर कमेंट की बात करें तो वो आ रहा है संतोष कुमार से, कैन वी क्रिएट मल्टीपल चैनल्स। संतोष भाई बिल्कुल आप मल्टीपल चैनल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है, जितने आप चैनल क्रिएट करें उनको अलग अलग जीमेल आईडी से क्रिएट किएगा, क्योंकि कल को अगर किसी चैनल पे आपकी दिक्कत आती है तो उसकी वजह से और दूसरे चैनल को इसका इफेक्ट ना पड़े। तो आप मल्टीपल चैनल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अलग अलग जीमेल आईडी से ही उनको क्रिएट कीजिएगा। अगले अगर कमेंट की बात करते तो आते हैं वेंडी बुटियू, आई एम सॉरी भाई अगर मैंने आपका नाम गलत लिया हो, इन्होंने कमेंट किया है सब टू सब। नहीं भाई, मैं सब टू सब में बिलीव नहीं करता हूँ, और इस तरीके की किसी भी चीज़ का मैं सख्त विरोधी हूँ अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। और ऐसा ही मैं अपने सब्सक्राइबर से ही बोलूँगा, अगर वो कल को चैनल खोलते हैं और कोई उनको ये बोलता है कि मैं आपको सब करूँगा बदले में आप मुझे सब कीजिए, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी कॉन्टेंट में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरा
कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली मैं वैसे ग्रो कर जाऊंगा, इस तरीके से सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए। शायद यही चीज़ मैंने नीचे कमेंट में भी लिखी होगी। अगले अगर कमेंट की बात करते हैं तो साहिल राठौर की तरफ से, मेरे पास 6 से 32 GB वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छी बात है। अगली बात करते हैं कमेंट की तो मुस्ती सर प्लीज़ रियल बताएं कि यूट्यूब चैनल से पैसे मिलते हैं या नहीं, और मिलता है तो 1000 रुपये कितना प्लीज़ सर। मुस्तकीन भाई बिल्कुल पैसे मिलते हैं, मुझे 4 बारी जो है इनकम हो चुकी है यूट्यूब से अभी तक, और शायद अभी मेरे को 5वीं बारी इनकम और आ जाएगी। इतना तो श्योर है कि आपको इनकम यूट्यूब चैनल से ज़रूर होती है, लेकिन 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है ये आपको जो भी जितने भी वीडियोस आज तक लोगों ने डाले हैं कि 1000 व्यू पे इतना मिलता है इतना मिलता है, सब के सब गलत हैं। ये मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, पैसे जो हैं वो ऐड के मिलते हैं, व्यूज़ के नहीं मिलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ऐड आपके पास कितनी बारी आपके वीडियो पे जो है ऐड चला है। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि 1000 आपका जो व्यूज़ हुए हैं उसमें 400 बारी ऐड चला, और ऐसा भी हो सकता है कि 200 बारी ऐड उस पर आया हो। सो जैसे दिवाली का टाइम है उस पर ज़्यादा ऐड आ सकते हैं, और नॉर्मली आज का जो टाइम चल रहा है उस पर कम ऐड आते हैं। तो इनकम जो है वो ऐड के ऊपर डिपेंड करती है, और 1000 व्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अगर आपको लगता है तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाइपर एसके एनी अल्टरनेट फॉर नोट 7 प्रो इट सोल्ड टुडे इन सेम प्राइस के अंदर रेडमी नोट 7 प्रो का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त फ़ोन है कि रेडमी नोट 7 प्रो के आसपास भी कोई सेम रेंज के अंदर फ़ोन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऑफलाइन मार्केट में बात करते हो, सैमसंग A50 एक ऐसा फ़ोन है जो 19,000 की रेंज के अंदर 20,000 के आसपास को मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है और डेफिनेटली रेडमी नोट 7 प्रो को टक्कर देता है, लेकिन थोड़ा महंगा है। और उसका कैमरा जो है, मैं पर्सनली आपको सजेशन दूंगा कि वाइड एंगल लेंस होने के बाद वो कमाल की पिक्चर्स लेता है। तो अगर आप पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो आप Redmi Note 7 Pro की जगह Samsung A50 का फ़ोन भी ले सकते हैं, अदरवाइज उस रेंज के अंदर Redmi Note 7 Pro के आसपास भी कोई फ़ोन नहीं है। और अगले अगर कमेंट की बात करें तो आ रहा है न्यू पंजाबी सॉन्ग्स श्री गंगानगर, मैंने स्टडी चैनल बनाया था जिसमें मैं खुद वीडियो क्रिएट की थी बट अकाउंट बंद हो गया, क्यों? भाई ऐसा हो सकता है कि आपने वीडियो खुद क्रिएट करी हो, लेकिन आपने जो साथ में जो आपने उसमें म्यूज़िक लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ आपने की हो जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई हो और उसकी वजह से आपका वीडियो जो है वो डाउन हो गया हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी और का कंटेंट अपने वीडियो के अंदर डाल देते हैं तो आपका वीडियो जो है यूट्यूब डाउन कर देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम और आई हो तो डेफिनेटली कॉमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, हो सकता है चैनल की कोई इशू हो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इससे अगले अगर कॉमेंट की बात करें तो आ रहा है रूपेश दास का, सर सैमसंग का फ़ोन हैंग तो नहीं होगा ना? भाई सबसे पहले तो सर नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, और सैमसंग क्या आईफोन भी हैंग हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। इस दुनिया का कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो हैंग नहीं होता। अगर आपको कोई दुकानदार ही बोलता है कि ये फ़ोन जो है हैंग नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि लैग कम करता है, हैंग कम होता है, क्योंकि उसकी अच्छी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इस दुनिया का कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो लैग नहीं करेगा। अच्छे से अच्छा फ़ोन भी लैग कर जाता है अगर आपने उसको यूज़ सही तरीके से नहीं करा। आप पूरी उसकी स्टोरेज अगर भर देंगे, उसके बाद आप अटरम शटरम मतलब फालतू की ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो लैग होना शुरू हो जाता है। अच्छे से फ़ोन को यूज़ कीजिए तो नॉर्मल सभी फ़ोन अच्छे से आपको परफॉर्मेंस दे देंगे। सो दोस्तों, ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद 25,000 सब्सक्राइबर के लिए। अगला टारगेट हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का है, और मुझे पता है कि बहुत जल्दी आप उसको भी पूरा करवा देंगे। जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो नीचे ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसका जवाब भी अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दे सकूँ।